नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ईएमआई भरने की प्रक्रिया को लेकर। इसमें जो है आरबीआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एमपीआई की बैठक में एक बड़ा अहम ही फैसला लिया गया। बता दें कि आरबीआई ने, केंद्रीय बैंक ने, रेपो दर को बिना किसी बदलाव के उसी तरह से रखा है। बता दें कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। वह जस का तस वैसे ही बना है जो कि पिछली बार जैसा कि था। ऐसे में लोन लेने वाले लोगों की उम्मीद पर जो है एक तरह से कहने की एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में बैंक उपभोक्ताओं को इस बार यह उम्मीद थी कि आरबीआई ईएमआई को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर सकती है, जिसमें कुछ राहत मिलने की बात कही जा रही थी। तो आइए अब जान लेते हैं आखिर में आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने किस तरह के फैसले लिए हैं। आरबीआई की इस बैठक को लेकर बोलते हुए आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह पहले की ही तरह बना रहेगा, यानी कि 4% और 3.55%। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि लोग पहले से लोन की जो दर भुगतान कर रहे थे वे उसी दर में भुगतान करते रहेंगे। बैंकों के अगर हम नियमों को देखें तो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर रेपो दर में कटौती की बात बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव होता है, ऐसे में अगर बैंकों के ब्याज दर में कटौती होती है तो जाहिर सी बात है ईएमआई की दर में भी कटौती होगी। ऐसे में आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि ईएमआई लोन के बीच में बार बार ये रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का जिक्र क्यों हो रहा है। तो चलिए आगे हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर क्या है ये चीज़। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो दर के बारे में। रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज दिया जाता है और कर्ज उसी कर्ज के पैसे से अपने ग्राहकों को कर्ज देती है। अगर रेपो दर में कोई कमी आती है तो बैंक उसी लोन को जो कि आपके बैंक से लिया है उसे सस्ता कर देती है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो बैंक जिस दर पर आरबीआई से लोन लेती है उसी दर पर अपने ग्राहकों को लोन देती है। अगर आरबीआई लोन देने की दर में कमी करती है तो बैंक भी अपने ग्राहकों के लोन को कम कर देता है। तो चलिए अब समझते हैं रिवर्स रेपो दर को। रिवर्स रेपो दर से ठीक उल्टा होता है, यानी कि बैंकों के उनके कामकाज के बाद जो पैसा बचता है उसे वह रिजर्व बैंक के पास जमा कर देती है। उसी जमा राशि का ब्याज आरबीआई बैंकों को देती है जिस दर से ब्याज बैंकों को मिलता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इससे बाजारों में लिक्विडिटी यानी कि नकदी को नियंत्रित किया जाता है। देश की महंगाई को लेकर बोलते हुए आरबीआई के गवर्नर जनरल ने बताया कि वित्तीय साल 2022-2023 में महंगाई का औसतन अनुपात 5.7% रखा गया है। बता दें कि आरबीआई ने पहले महंगाई की दर 4.5% रखा था, लेकिन अब महंगाई को लेकर बोलते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि देश में महंगाई बढ़ रही है और ग्रोथ रेट कम हो रहा है। ऐसे में हम लोगों के सामने दोहरी चुनौती है। तो एक तरह से कह लें कि जिस तरह से आरबीआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि लोन को लेकर जो है किसी तरह की कमी नहीं दी गई है, यानी कि ईएमआई में कोई छूट नहीं दी गई है। साथ ही साथ दूसरा जो अपडेट है उसमें यह कहा गया है कि देश जो है इन दिनों महंगाई की मार झेल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ रेट जो है जिस तरह से देश को विकास करना चाहिए उसमें कमी आ रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।